छतरपुर में एक दिन पहले प्रारंभ हुई चाचा की रसोई में पहले ही दिन यानी शनिवार को करीब 400 लोगों के टोकन काटे गए, यानी कि 400 लोगों ने 12 बजे से 2 बजे तक टोकन कटाकर भोजन प्राप्त किया। गौरतलब है कि सप्ताह के 6 दिनों तक 12 बजे से 2 बजे तक 1 रुपये के टोकन पर लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। रविवार को रसोई का अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और किशोरदास महाराज के द्वारा फीता काटकर एक दिन पहले चाचा की रसोई का उद्घाटन किया गया था। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के जन्म दिवस के मौके पर और गृहस्थ संत दद्दा जी की प्रेरणा से इस रसोई का उद्घाटन धूमधाम से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर रसोई को देखा और प्रसाद भी चखा। गौरतलब है कि ये प्रदेश की पहली ऐसी हाईटेक रसोई है जहां पर मशीनों के द्वारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें हर बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ नाम मात्र के 1 रुपये के टोकन पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब लोगों को 1 रुपये में खाना मिल जाए, इससे अच्छा क्या है? कम से कम के लोगों का पेट तो भरेगा। अपन तो आए थे देखने के लिए कैसा खाना है, क्या है। कैसा लगा चाचा को भोजन? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खुशी बने रहा भगवान। अच्छे रहे, खूब बड़े ऊँचे हो, ऐसे तो और ऊँचे हो जाए। मैं आज यहाँ पे आई हूँ चाचा की रसोई में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, मतलब खाना बिल्कुल साफ सुथरा और बैठने की व्यवस्था है। पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाके हाथ धो के खाना खाओ, और खाने में भी सारी व्यवस्था है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा।